मैं भावुक नहीं होना चाहता हूं, बहुत बोल रहा हूं। जीवन में बहुत संघर्ष किया, कार्यकर्ता को तैयार किया, और वो कार्यकर्ता यहां पर बैठे हुए हैं। अपन समय ऐसा तय करेंगे जिससे कि दुकानदार हमारे व्यवसाय को नुकसान नहीं हो। हम समय तय करें बाजार 10 बजे का, भगवान मंदिर में ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे ठाकुर जी उन लोगों को संतुष्टि दो और संतुष्टि देकर पार्टी के डिसीजन को चेंज करो। मैं आपके कर्मचारी निवेदन करता हूँ, एक घंटा सवा घंटे नारेबाजी में कोई भी गलत नारा नहीं लगाएंगे, नारेबाजी में कोई भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारा आपसे निवेदन है, नारेबाजी में कोई भी आगजनी का काम नहीं करेगा, नारेबाजी में कोई भी दुकानें बंद कराने का काम नहीं करेगा। मेरे चैंबर के व्यापारियों को इसमें मैं घसीटना नहीं चाहता, मेरे बंधुओं से निवेदन करता हूं, मेरे चाहने वाले मेरे पार्टी के लोगों को यहां नहीं बुलाया, मैं बुलाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि पार्टी के लोग यहां पर डर कर नहीं आ रहे। लेकिन कितने फोन मेरे पास आ रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज के अध्यक्ष बैठे हैं, मेरे बंधुवर बैठे हैं, मेरा दावत जैसा बैठा है, मुझे चाहने वाले आदमी करके लोग बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आप 5 लोगों के साथ तो लाओ, और अगर 2 से 2500 लोग एकत्रित होंगे यहाँ पर, आज 400 लोग, 2 5 से गुणा करो 2000 लोगों क्या ला सकते हैं क्या? अगर 2000 से 2500 लोग होंगे तो परसों इस उदयपुर की सड़कों पर सैलाब में उमड़ने की गारंटी लेता हूं। विचार करना, इस उदयपुर को छोड़कर चले जाओ सेवारी, मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, नहीं तो उदयपुर की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मत देखो, महावीर खड़ा जी को मारा, चुनीलाल घनश्याम को मारा, ऐसे ऐसे मजदूरों को मारा इस व्यक्ति ने, जो आज इस दुनिया के अंदर महावीर खड़ा जी नहीं है, उसके सामने चुनाव लड़ा कौन? दादाचंद बीजेपी के जिला अध्यक्ष लड़ा, वो किसने लड़ा? क्योंकि एक आदिवासी बच्चा है, आदिवासी आदमी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नहीं बने। बहुत बातें करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, मैं सही कह रहा हूं, सनातनी विरोधी है, सनातनी विरोधी, और जो सनातनी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी की उस पर कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, प्रभु से प्रार्थना करके कहता हूं, आप कसम है आपको, आपके दोस्तों सही, मिलने वालों सही, मेरा से अगर प्रेम रखते हो, दिल से प्रेम रखते हो, तो 4 से 5 लोग, 5 से अधिक लाओगे तो मेरे ऊपर जीवन में उपकार करोगे। हम इस उदयपुर की सड़कों पर निकलेंगे, कुछ भी नहीं, हम खाली उद्घोष करते हुए निकलेंगे, ठाकुर जी से 36 मंदिर में जाकर प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने के पश्चात यही निवेदन करेंगे कि भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे। ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिला है जिसको मैं बता नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हो, आपकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, विचार करो।